नमस्कार, इवनिंग रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। इवनिंग रिपोर्ट में आज बात करेंगे कि कैसे बाल सुधार गृह की सुविधाओं में सुधार मुमकिन हो सकता है और आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों का दिल क्यों बीमार है, एक खास रिपोर्ट और फिर इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हरियाणा की हेल्थ को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जितने चिंतित हैं, उतनी ही चिंता शायद कैबिनेट मंत्री कविता जैन को भी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाओं से लेकर उपचार में आने वाली कई दिक्कतों को देखते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों को दूर करने के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या कहती है, ये एक बहस का मुद्दा है। सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ियों में पढ़ने वाले तकरीबन 2 दर्जन बच्चों के दिल में छेद, ये आंकड़ा वाकई चौंका देने वाला है। स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछड़ापन और आमजन की पहुंच से दूर उपचार की सुविधा सरकारी दावों की पोल तब खोल देती है जब सरकार द्वारा ही इस तरह के आंकड़े जारी किए जाते हैं। सरकारी स्कूल यानी भविष्य बनाने की सरकारी फैक्ट्री और हालात ऐसे जो किसी को भी चौंका दे। सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों परिवार के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की है, तो वही ग्राउंड जीरो के इस रिपोर्ट पर कई सवाल खड़े कर दिए। एक तस्वीर ये है तो दूसरी कुछ ऐसी है। दरअसल अंबाला पहुंची महिला और बाल विकास मंत्री कविता जैन ने औचक निरीक्षण कर सुधार गृह केंद्र का जायजा लेना चाहा, तो यहाँ भी हालात जवाब दे गए। 50 बच्चों वाले इस सुधार गृह में 96 बच्चे मिले। सरकारी एडजस्टमेंट के शिकार इन बच्चों को शायद नहीं पता, लेकिन प्रशासन और विभाग इस खबर पर जरूर खबरदार था। कविता जैन ने यहां बच्चों की समस्याएं जानी, लेकिन सवाल वही है कि औचक निरीक्षण कर देने से या फिर एक्शन ले लेने से इस टूटी फूटी व्यवस्था को अच्छा कैसे किया जा सकता है। औचक निरीक्षण की केवल वजह इतनी ही है कि मुझे जो दायित्व मिला है महिला और बाल विकास विभाग, तो मेरा अपना मानना है भी मेरे विभाग से संबंधित है और निश्चित रूप से बच्चों का विकास होना चाहिए और बच्चों की दशा के अंदर सुधार होना चाहिए, केवल मेरा यही प्रयास है। बहरहाल ग्राउंड जीरो के इस रिपोर्ट में हमने मुद्दा बेहद ही गंभीर उठाया है जिस पर सरकार भी एक्शन ले रही है, लेकिन सवाल अब भी जस का तस है कि आखिर सरकारी व्यवस्था में कब कोई ठोस बदलाव आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। वाकई में आंकड़े दिल को बेचैन कर देने वाले हैं। 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों के दिल में छेद है। आंकड़ा जो है इससे भी ऊपर हो सकता है। औपचारिक तौर पर जो तस्वीर निकल करके आ रही वो हमने आपको रिपोर्ट में समझाने की कोशिश की है। न सिर्फ बच्चों के दिल में छेद पाए गए बल्कि व्यवस्था का आलम ये देखिए कि जो बाल सुधार गृह है 50 संख्या वाले बच्चों का है, वहां पर 96 बच्चे मिलते हैं। वाकई में यह आंकड़ा अपने आप में हैरानी पैदा करता है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कमरजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमरजीत, ग्राउंड जीरो पर आप उतरे और जो तस्वीर आपने देखी और जो रिपोर्ट के जरिए हमने दर्शकों को दिखाई, वाकई में चौंकाने वाला आंकड़ा है। चलिए, हमारे समाज सेवी यहाँ पे जुड़ गए हैं, पंकज शर्मा। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार जी। सर, जो आंकड़ा आया है सरकारी आंकड़ा, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? जो बात की जा रही है कि 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों के दिल में छेद हैं, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये सरकारी आंकड़ा है? देखिए, आजकल जो है ये बहुत ही ज्यादा बीमारी बच्चों में फैलती जा रही है। बच्चों के अंदर के दिलों में छेद पाए जाते हैं, ये अक्सर देखा गया है कि पीछे से बच्चों के माँ बाप जो होते हैं जी, वो उनको पोषण सही ढंग से नहीं हो पाता और इसी वजह से उनके बच्चों में बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। स्लम एरिया में रहते हैं, उनको कुपोषण का के शिकार बच्चे पाए जाते हैं, तो इसलिए जो स्लम एरिया के बच्चे होते हैं इनमें बहुत ज्यादा ये बीमारियां पाई जाती है। पंकज जी, अगर ये ज्यादा बीमारी है
तो क्या सरकार का ये प्रशासन का दायित्व नहीं बनता है? चूंकि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चे हैं, वैसे तो हेल्थ चेकअप के नाम पर सरकार हर साल हर एक दायरे के अंदर रहकर हेल्थ चेकअप कराती है, क्या इस चीज को शामिल नहीं किया जाता? हेल्थ चेकअप कैंप सिर्फ अस्पतालों में लगते हैं, जबकि सरकार की जिम्मेदारी ये है कि वो स्लम एरिया में खुद जाए, डॉक्टर्स जाए वहाँ पे, फिर उनको जाके वहाँ पे जाके चेक करे, वहाँ पे सही वास्तविक स्थिति पता चलती है। ये तो सिर्फ वो आंकड़े हैं जो उन अस्पताल में आते हैं या जो आंगनवाड़ी के अंदर बच्चे आते हैं, सिर्फ उनके है। असलियत में जो स्थिति है वो इससे भी बहुत ज्यादा विकराल है। जी, आपको लगता है कि सरकार का जो रवैया है या जो प्रशासन का रवैया है वो इस तरफ उदासीन रहा है, मतलब इस मामले को लेकर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि समाज में और जमीनी स्तर पर ये जो दिल में छेद होने की जो घटनाएं हैं, ये जो खबर आती है, ये ज्यादा बढ़ सकती है, इसकी संख्या में इजाफा हो रहा है, और ऐसे में इसको गंभीरता से लेना चाहिए? बिल्कुल, इसको बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, वास्तविक स्थिति इससे भी ज्यादा भयानक है। जिनको पता भी नहीं है कि हमारे दिल में छेद है और उनकी अचानक मौत हो जाती है, उनको पता भी नहीं चलता कि हमारी हमारे बच्चों की मौत किस वजह से हो रही है। और सरकार को इसमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और स्लम एरिया में जाके सब बच्चों की जांच करनी चाहिए और उनके वहां पे जाके मेडिकल कैंप लगाने चाहिए, ना कि अपने अस्पतालों के अंदर सिर्फ लीपापोती करने के लिए। लेकिन पंकज जी, चूंकि आप समाज सेवी हैं, समाज से सीधा सरोकार आपका है और आप ऐसे माहौल को समझते हैं बेहतर तरीके से, आपसे समझना ही चाहेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, बाल सुधार गृह होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, आपको लगता है कि वहां पर भी सुविधाओं के नाम पर कहीं ना कहीं जो है बच्चों को पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जिस परिवेश में और जिस माहौल के अंदर उनका विकास होना चाहिए, जिसका सरकार का जो दायित्व बनता है, वो तमाम चीजें अभी भी बच्चों तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही? देखिए, सरकार की तरफ से पैसे पूरे जाते हैं, पूरा फंड जाता है, मगर वो पैसे जो है या टीचर्स में या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वहाँ पर बढ़ जाते हैं, बच्चों को पैसे की सही सुविधा नहीं मिल पाती बिल्कुल भी। क्योंकि हमारी जो रिपोर्ट हमारे पास पंकज जी आई है, तब भी बहुत फायदा हो बच्चों को। जी, हमारे पास जो रिपोर्ट आई है वो कहती है कि अम्बाला में कविता जैन जो है वो उन्होंने औचक निरीक्षण किया, 50 बच्चों का बाल सुधार गृह है, वहां पर 96 बच्चे पाए गए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की यहाँ पर सरकार की लापरवाही देखने को मिल रही है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को, बच्चों को ला रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही है इसके अंदर। जी हाँ, इससे सरकार को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, इनको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और साफ दिल से काम करना चाहिए, और अपने पूरे प्रशासन को भी इसमें सच्चे दिल से लगाना चाहिए, एक जन भावना और समाज सेवा की भावना से उनको काम करना चाहिए, सरकारी तंत्र को। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज शर्मा जी आपका इस तमाम बातचीत के लिए। हमारे संवाददाता कमरजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमरजीत, आपसे जानना चाहूंगा, ग्राउंड जीरो पर उतरकर जब आपने मुआयना किया और तस्वीर जो आपने देखी, जरा वो विस्तार से बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अम्बाला शहर का ये जो बाल सुधार गृह है, जहां पर आज कविता जैन जो है कैबिनेट मंत्री, उन्होंने एकदम से औचक निरीक्षण किया, तो बड़ी बात ये है कि एक 50 बच्चों के लिए जो बाल सुधार गृह बनाया गया हो, उसमें ठूस ठूस कर 96 बच्चे भरे गए हो, तो आप खुद जो है वो समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से ये बच्चे वहां पर बदहाली में रहने को मजबूर होंगे। और बड़ी बात इसमें यह है कि प्रशासन जो है वो भी इस पूरे मामले में आज तक मूक दर्शक जो है वो बना रहा कि आखिर किस तरीके से जो है इस चीज को माना जा सकता है कि 50 बच्चों के रहने वाले जगह पर आप लगभग उससे दुगने बच्चों को जो है वहां पर रखा जाए, और सुविधाओं के नाम पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ढील जो है वो प्रशासन द्वारा दिखाई गई। दवाओं के मामले में भी जो है बच्चों ने आज जो है मंत्री महोदया जब आई, उनके सामने जो है मांगे रखी कि उनको जो है खाने से संबंधित शिकायत थी, दवाओं जो है उससे संबंधित शिकायतें थी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ढुलमुल रवैया जो है उन बच्चों के प्रति जो है प्रशासन का दिखा, जबकि जिस जगह ये बच्चे रह रहे थे उसका नाम है बाल सुधार। जब प्रशासन खुद ही एक चीज का सुधार नहीं करना चाहता, तो आखिर में ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बयां कर रही हैं कि इस जगह पर इस हाल में इन बच्चों का सुधार आखिर होगा तो कैसे होगा। सवाल कमरजीत हम भी यही उठा रहे हैं कि कैसे सुधरेंगे सुधार गृह, क्योंकि ये बेहद अहम है। जिस संस्था को, जिस व्यवस्था को सुधार के लिए बनाया गया, अगर वही सुधार की मोहताज हो जाए तो फिर काम किस तरह से आगे बढ़ेगा? कमर जी, ये बताएं कि जब मंत्री महोदया वहां पहुंची तो क्या सिर्फ औचक निरीक्षण ही करते रहेंगे या फिर इस पर एक्शन भी लिया जाएगा? कोई टाइमलाइन, कोई ऐसा तय वक्त बताया गया कि इस वक्त तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा, इस पर एक्शन लिया जाएगा? देखिए,
देखिए, एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से केंद्र में के बाद जो है अब हरियाणा में भाजपा की सरकार आई है, अनिल विज जो अम्बाला से ही मंत्री है, सबसे पहले उन्होंने एक शुरुआत की थी औचक निरीक्षण करने की, जिनके बाद जो है लगातार अब अन्य मंत्री, पहले रामविलास शर्मा, अब कविता जैन, तो इन लोगों ने भी जो है औचक निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इनका ये जो औचक निरीक्षण है ये मात्र जो है मीडिया के लिए फुटेज बनकर रह जाएगा, तस्वीरें बनकर रह जाएगा, या इन्हें अमली जामा भी पहनाया जाएगा और इन जगहों का सुधार होगा जहां पर ये लोग औचक निरीक्षण करके मीडिया की सुर्खियां तो बटोर रहे हैं, लेकिन वास्तविक औचक निरीक्षण जो है वो उसी दिन कामयाब होगा जब इन जगहों पर उचित कार्रवाई होगी और इन केंद्रों को सुधारा जाएगा। लेकिन कमर जी, जिस बाल सुधार गृह का ये हाल आपने बताया, आपको वहां का जो प्रशासन है, जो मैनेजमेंट है, उन लोगों का क्या कहना है, क्योंकि संख्या काफी ज्यादा है, क्या मजबूरी रही है, क्या कुछ कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, बाल गृह जो है 50 बच्चों का बाल गृह है, उसमें 96 बच्चों को जो है वो रखा गया है, और ये किसके परमिशन से रखा गया, और आखिर जो है इस पूरे मामले में जो बाल सुधार गृह के संचालक है उसके ऊपर अब जो है वो प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, ये बड़ा सवाल यहाँ जरूर रहेगा। बहुत बड़ा सवाल है कमरजीत, हमें भी इसका इंतजार रहेगा कि औचक निरीक्षण भर ही होगा या फिर इस पर कार्रवाई भी की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ खजान सिंह जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। खजान सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी, थैंक यू। सर, जो मामला हम दिखा रहे हैं लगातार, ये सरकारी आंकड़ा है जो बता रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके दिलों में छेद है, आंगनबाड़ी और सरकारी स्कूलों में ऐसे बच्चे हैं जिनका चेकअप किया गया है, आपको लगता है एक बेहद गंभीर मुद्दा है, इसको लेकर एक गंभीरता से सरकार को भी सोचना चाहिए? देखिए, तो बहुत ही सीरियस मैटर है, बिल्कुल इस पर तत्परता से जो है निर्णय लेने की बात है, इसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो इन बच्चों को दिलवाना चाहिए। जी, लेकिन खजान सिंह जी, सवाल फिर ये उठता है कि ऐसे पैमाने, ऐसे मापदंड क्यों पैदा नहीं किए गए सरकारी संस्थाओं में, जैसा कि स्कूल, आंगनबाड़ी और बाल सुधार गृह की हम बात कर रहे हैं, कि वहां पर बच्चों के हेल्थ चेकअप के लिए कोई रूटीन क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो है एकाएक नहीं बड़ी होंगी, ये इसको बढ़ने में इजाफा हुआ होगा, तो ऐसे में शुरुआती तौर पर सरकार ने वो बुनियाद क्यों मजबूत नहीं की जिसमें हेल्थ के पैरामीटर पर ये 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 इस चीज को भी नापा जा सकता? देखिए, जो अवेयरनेस है वो जब भी जो जो सत्ता में होता है सिस्टम, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जो है हर तरीके की इस तरीके की कार्रवाई करे कि ताकि ऐसे बच्चों को बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिल सके। अभी जो सरकार सत्तासीन हुई है, ये उनके ड्यूटी बनती है वो इस पर पूरी गौर करें और इस पर मतलब गंभीरता से और प्राथमिकता से, तत्परता से इस पर कोई बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट। लेकिन खजान सिंह जी, जो नई सरकार है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो औचक निरीक्षण कर रही है, पहले अनिल विज ने, उसके बाद कविता जैन जो है महिला बाल विकास मंत्री, वो औचक निरीक्षण कर रही है। इस दौरान वो अम्बाला में पहुंची, अम्बाला का जो बाल सुधार गृह का आलम था वो कुछ यूं था कि 50 बच्चों वाला ये बाल सुधार गृह है जिसमें 96 बच्चे मिले हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर की ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल उनको वो देती है, वो कहीं भी कोई भी किसी उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं और इंस्पेक्शन पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, इंस्पेक्शन से रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्पेक्शन होनी चाहिए ताकि लोगों को सुविधाएं मिले, तो ताकि जो मौके पे कमियां पाती हैं, जो नेग्लिजेंसी है या जो और कमियां हैं उनमें सुधार लाया जा सके, ये तो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और जहां तक हैरेसमेंट की बात है, वो कर्मचारियों की, जो आदमी काम करते हैं मेरिट पे, जो अच्छा रिजल्ट देते हैं उनकी पीठ थपथपानी चाहिए, और जो नकारा नालायक और जो काम नहीं करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। खजान सिंह जी, मैं रुक करूंगा, बीरेन चौहान हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं। बीरेन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। बीरेन जी, आवाज आ रही है आपको? बीरेन जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा, लेकिन संपर्क को दोबारा से साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इवनिंग रिपोर्ट में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन मुद्दा बेहद ही अहम है। प्रदेश का जो भविष्य है वो बच्चों से जुड़ा हुआ है, और बच्चे जो है वो किस हालत में है, जो रिपोर्ट आई है, सरकारी आंकड़ा जो सामने आया है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में सोचने पर मजबूर कर देता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो गया हाजिर।
सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कुछ अंबर कपड़ों का, पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। खबरों की आपाधापी में झूठ न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर, हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। लार्जेस्ट कैंपस, मोर देन 1800 स्टूडेंट्स, वेल इक्विप्ड वर्कशॉप्स एंड लैब्स, एडवांस कोर्सेज, मोर देन 30 PhD होल्डर एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज। फॉर मोर इंफॉर्मेशन लॉग ऑन आवर वेबसाइट, कॉन्टैक्ट अस फॉर एडमिशन। अर्नी यूनिवर्सिटी, ब्रिंगिंग एम्बिशन इन लाइफ। ब्रेक के बाद इवनिंग रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इवनिंग रिपोर्ट में आज बात प्रदेश के भविष्य यानी कि बच्चों की हो रही है। जो सरकारी आंकड़ा है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं, 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे जिनके दिलों में छेद है, और ये हेल्थ चेकअप के दौरान सामने, आपको बता दें औचक निरीक्षण महिला बाल विकास मंत्री कविता जैन ने किया अंबाला में। वो दूसरी तस्वीर का भी जिक्र हम कर रहे हैं जहां पर बदहाली व्यवस्था में देखी गई। बाल सुधार गृह में 50 संख्या वाले बाल सुधार गृह में 96 बच्चे जो है वो वहां पर मिले, और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब तक प्रशासन इतना लापरवाह क्यों बना रहा? क्या लापरवाही को खत्म करने के लिए औचक निरीक्षण ही एकमात्र उपाय? अगर औचक निरीक्षण किया जा रहा है तो एक्शन में इसको कब तब्दील किया जाएगा? ये अब अपने आप पे बड़े सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लेकिन जो सुधार गृह है वो आखिर कैसे सुधरेंगे, और जब सुधार गृह ही सुधार के मोहताज हो जाएं तो फिर सुधार होगा कैसे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और वो लगातार आंकड़े आप देख पा रहे हैं, 60,000 बच्चों का चेकअप किया गया जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों के दिलों में छेद जो है वो पाए गए। आखिर जिम्मेदारी किसकी है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बाल सुधार गृह का औचक निरीक्षण कविता जैन ने किया है। वीरेंद्र चौहान बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस आंकड़े की हम बात कर रहे हैं आज, उसको लेकर आपका रिएक्शन क्या है? 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे हैं जिनके दिलों में छेद हैं, और ये बच्चे आंगनबाड़ी में, सरकारी स्कूलों में, बाल सुधार गृह में। देखिए, ये जो स्थितियां हैं बहुत चिंताजनक हैं, और निश्चित रूप से जो नई सरकार बनी है जी, वो स्वास्थ्य के मामले में, बाल कल्याण के मामले में, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और संरक्षण के मामले में, हमने ये वादा किया है प्रदेश की जनता से जी, कि हम अधिक संवेदनशीलता के साथ काम करेंगे। आपने देखा होगा हमारे जो मंत्री हैं जी, आपने कहा कविता जैन जी ने निरीक्षण किया जी, तो प्रारंभिक जो काम होता है कोई भी सरकार जब कार्यभार संभालती है तो उसको
स्टॉक टेकिंग कहते हैं, अब स्थिति का जायजा लेना होता है कि कहां क्या गड़बड़ है, तो एक प्रकार से वो काम हमारे मंत्री जो हैं उन्होंने करना शुरू कर दिया है। स्वयं अनिल विज जी जो स्वास्थ्य का विभाग जिनके पास है वो कई अस्पतालों में जमीनी स्थिति का मुआयना करने के लिए गए हैं, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसी तरह कविता जैन जी ने भी ये सिलसिला शुरू किया है, तो कुल मिला के जमीनी स्थिति का मूल्यांकन का काम शुरू हो गया है। और जैसे जिस जिस तरह की जानकारियां सरकार के सामने सरकार के मंत्रियों की जानकारी में आएंगी तथ्य आएंगे उन पर उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बीरेन जी एक अहम सवाल ये है, औचक निरीक्षण भी हो रहा है, आप कह रहे हैं एक्शन भी लिया जाएगा, चलिए इस चीज का इंतजार सबको रहेगा कि एक्शन ये औचक निरीक्षण एक्शन में कब तब्दील हो पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक जो बुनियादी सवाल है, आपको लगता है कि बुनियाद में कहीं ना कहीं कमी रह गई, क्योंकि जो रूटीन चेकअप होता है जो इस तरह के सरकारी संस्थाएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के पैरामीटर को लेकर कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत थी बच्चों पर भी, क्योंकि अगर शुरुआत ठीक हो पाती तो अंजाम इस तरह का सक्का नहीं होता जो दिखाई दे रहा है। मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी कमजोरी जो रही है पिछले अनेक वर्षों की वो ये है कि जो सरकारी अमला है जी, हमारे पास साधन है, हमारे पास अधिकारी है, हमारे पास बजट की भी कोई कमी नहीं रही हरियाणा में आमतौर पर, लेकिन सरकारी मशीनरी में जो संवेदनशीलता चाहिए जी, लोगों के दुख दर्द को समझने के लिए जो संवेदनशीलता चाहिए वो कहीं मिसिंग थी। और मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है और हमारे तमाम मंत्री भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं जी, कि जो जनता है आम आदमी है उसकी पीड़ा की एक संवेदनशील प्रशासन समझ विकसित करें। मतलब पिछली सरकार की ओर इशारा करने की जो पिछली सरकार रही है उनमें कहीं ना कहीं वो दोष था कि वो व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाई। हमारे साथ खजान सिंह जी जुड़ गए, उनसे जरा जवाब ले लेते हैं। खजान सिंह जी, बीरेन चौहान को आपने सुना, उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी जो होती है उसमें कहीं ना कहीं दोष था, तभी ऐसे नतीजे जो है, तभी ऐसी तस्वीर जो है वो बनती नजर आ रही। खजान सिंह जी, खजान सिंह जी आवाज आ रही है आपको? चलिए लगता है तकनीकी गड़बड़ी के चलते उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन योगेश कौशिक हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। योगेश जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी। सर, जो मुद्दा आज उठाया हुआ है उसमें बीरेन चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सरकार के मंत्री औचक निरीक्षण कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन जो आंकड़ा सामने आया है वो काफी चौंकाने वाला है। देखिए, ये मैं आपको बताया था कि रिजल्ट ओरिएंटेड इनको काम करना चाहिए, इनको जनादेश हरियाणा प्रदेश की जनता ने दिया है और इनको तो 47 ही सीट दिए, हम लोगों को 67 दिए थे, हम लोगों ने अपने टाइम में अच्छा काम करा, अब इनको मौका मिला तो इनको काम करके दिखाना चाहिए, अपना मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट करें, लोगों की जनभावनाओं के साथ इन्होंने पहले ही खिलवाड़ कर दिया। इन्होंने 2000 रुपए पेंशन का वादा किया था, 1500 रुपए तो हमने कर दिया था 1 नवंबर से, और इन्होंने घटा दे 1500 से 1200 कर दिया, तो ये लोगों के साथ मजाक है। और जिसमें किनके साथ मजाक किया, जो इनके मतलब बुजुर्ग है, हमारे बुजुर्ग है, हरियाणा के बुजुर्ग है, बुजुर्गों के साथ मजाक किया। खजान सिंह जी बात बच्चों की हो रही है और कहा ये जा रहा है कि सरकारी मशीनरी में कहीं ना कहीं दोष रहा, आप पहले इस पर बात कीजिए, आपको लगता है कि वाकई में सरकारी मशीनरी का ये इसकी जिम्मेदारी थी कि वो जब सब चीजों को दुरुस्त करती, जो लूप होल्स थे सरकारी मशीनरी में उसको भरने का काम आपकी सरकार ने नहीं किया, ये आरोप लग रहा है? देखिए, इनको सडन इंस्पेक्शन का राइट है, कैबिनेट मिनिस्टर्स को, वो कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें और उसका लोगों को अच्छा परिणाम मिलना चाहिए, क्योंकि जनादेश इनको दिया हुआ है। नहीं, वाकई में खजान सिंह जी, जो कमियां रही हैं उसका उसकी जिम्मेदारी नई सरकार की है, मौजूदा सरकार की, वो जिम्मेदारियां उसको बखूबी उसको निभाना चाहिए, लेकिन कहा यह जा रहा है जो आपकी सरकार रही पिछले 10 सालों में उसमें कहीं ना कहीं वो चूक रह गई जहां पर व्यवस्था को ठीक नहीं किया गया, आरोप ये लग रहा है। देखिए, जनादेश इनको इसलिए तो मिला है, चूक रह गई थी। नहीं, आप ये मान रहे हैं कि दोष रहा है सरकारी मशीनरी में जो पिछली सरकारें रही? सरकारी मशीनरी में दोष था, तभी तो इनको जनादेश दिया जनता ने। नहीं, आपकी जो सरकार रही उसमें कहीं ना कहीं वो व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाई, ये आप मानते हैं? ये तो कड़वी सच्चाई है, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे उनकी लापरवाही थी और उनकी लापरवाही के कारण ये हरियाणा की जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। इनको कुछ करके दिखाना चाहिए, ये अब भी अपोजिशन का रोल कर रहे हैं, ये जो है अभी सरकार का रोल नहीं कर रहे हैं, इनको डिलीवर करना चाहिए, नाउ दे हैव टू डिलीवर। नहीं, आप डिलीवर तो कर दे रहे हैं और अभी जो है सिर्फ जो भी अच्छे फैसले थे जी, जो
अभी सफाई, अभी सरकारी मशीनरी पे सफाई है, सफाई का काम सरकारी मशीनरी में जो सफाई कर्मी है उनकी, इनको परवाह करनी चाहिए उनको, ये तो मास्क लगा। लेकिन सरकार का भी दायित्व बनता है खजान सिंह जी, जब प्रशासन ठीक से काम ना करे तो सरकार पर ये राइट है कि वो उसको फटकार लगा सकता है, उसको सही दिशा दिखा सकता है। क्या आपकी सरकार ने ऐसा नहीं किया, ये आप कह रहे हैं? देखिए मेरी बात पूरी होने दें, जब सफाई कर्मी सफाई करता है तो उसको मास्क नहीं देते, उसको ग्लोव नहीं देते पहनने के लिए, और जब ये करते हैं डिप्टी कमिश्नर करता है या जो इनके मंत्री करते हैं जो, चलिए लगता है आप घुमा फिरा के फिर वही बात कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया खजान सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, बीरेन चौहान जी आपका भी, और यहाँ पर जो आज का मुद्दा इवनिंग रिपोर्ट में हमने उठाया था उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो पिछली सरकारी मशीनरी थी उसमें दोष रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि जो चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं और जो बदहाल व्यवस्था बाल सुधार गृहों की देखी गई है उसमें सुधार के लिए सरकार कब तक कोई एक्शन ले पाती है। इवनिंग रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर आगे खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।